गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं वैश्य सोरेज। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन बैंक वर्सेज चाइनीज बैंक वर्सेज पाकिस्तानी बैंक, फुल कंपेरिजन अनबायस्ड। मतलब अनबायस्ड कंपेरिजन होने लगा है चीनी पाकिस्तानी और इंडियन बैंक्स का। तो देखते हैं जल्दी से इंडिया स्टॉक फैक्ट का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट। दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये तीनों ही एशिया की खास कंट्रीज हैं और आपस में कई तरह की सूचना हमें रहती है। तीनों ही कंट्रीज अपने प्रोग्रेस के लिए और अपनी फाइनेंस और इकोनॉमी को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए लगातार मेहनत भी करती है। अब फाइनेंस की बात आई है तो आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICB न सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। वहीं इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और पाकिस्तान के पहले नंबर पर सबसे बड़ा बैंक हबीब बैंक लिमिटेड है। आपको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीन बैंक के बीच कंपैरिजन करेंगे यानी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक्स को आज इस वीडियो में डिफरेंट पॉइंट्स जैसे लोकेशंस, हिस्ट्री, एम्प्लॉइज, रैंक और रेवेन्यू के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल बैंक। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICB एक मल्टीनेशनल चाइनीज बैंकिंग कंपनी है। ये एक स्टेट ओन कमर्शियल बैंक है। इस बैंक का कैपिटल चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दिया गया है। ICB वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 221st रैंक पर है और इस लिस्ट में ये इकलौता इंडियन बैंक है। वहीं हबीब बैंक लिमिटेड यानी HBL एक पाकिस्तानी मल्टीनेशनल बैंक है। असल के मामले में HBL पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका नाम लगातार फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में पाकिस्तानी टॉप कंपनीज में जरूर आता है। नंबर 2 फाउंडेड इन ICB की शुरुआत 1984 यानी आज से 37 ईयर्स पहले बीजिंग चाइना में हुई थी। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की शुरुआत 1 जुलाई 1955 यानी आज से 65 ईयर्स पहले हुई थी। पर से पहले 1921 में इसकी शुरुआत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से हुई थी। HBL यानी हबीब बैंक की शुरुआत 25 अगस्त 1941 यानी आज से 79 ईयर्स पहले हुई थी। हेडक्वार्टर ICB स्थित है चाइना की बीजिंग सिटी में। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर स्टेट बैंक भवन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में स्थित है। वहीं पाकिस्तान की कराची में हबीब बैंक कैपिटल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो इम्पोर्टेंट बात। नंबर 4 हिस्ट्री। 1 जनवरी 1984 में ICB को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू किया गया था। लग्जमबर्ग में ICB ने अपना ब्रांच स्टार्ट किया था जो 2011 में यूरोपियन हेडक्वार्टर बना दिया गया। ये ब्रांच यूरोप की मेजर सिटीज को संभालती थी जैसे पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, मिलान, मैड्रिड, बार्सिलोना, वर्सोव और लिस्बॉन। ICB बैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और साल 2006 में ICB बैंक ने अपने 2.5 मिलियन कॉर्पोरेट कस्टमर्स और 150 मिलियन इंडिविजुअल कस्टमर्स बना लिए थे। साल 2006 में ही तीन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ने मिलकर ICB में 3.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इंजेक्ट किए और इसके बाद से आज तक भी ICB बैंक की रैपिड ग्रोथ नहीं रुकी है। वहीं स्टेट बैंक की जड़ें 19th सेंचुरी से जुड़ी है जब 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई जिसका नाम बाद में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स में एक था। बचे दो में थे 15th अप्रैल 1840 में स्थापित किया बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 में एस्टैब्लिश किया गया बैंक ऑफ मद्रास। 27 जनवरी 1921 में ये तीनों बैंक्स मिल गई और मिलकर बनी द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई साल 1955 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। मार्च 2009 में SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के मिलकर टोटल एसेट्स 99,81,199 मिलियन रुपीस थे। अप्रैल 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर SBI से मिल गया और अगस्त 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सारी ब्रांचेस SBI की ब्रांचेस बन गई और इस तरह SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस मुकाम तक पहुंची। वहीं 1941 में शुरू की गई हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान की फर्स्ट कमर्शियल बैंक बन गई और 1951 में HBL ने अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच कोलंबो श्रीलंका में शुरू की। साल 1972 में हबीब बैंक ने अपना हेडक्वार्टर बदलकर द हबीब बैंक प्लाजा में शिफ्ट कर लिया जो उस वक्त पूरे एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। 1941 में हबीब बैंक खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया था जिसका ऑफिस बॉम्बे यानी मुंबई में था। पार्टीशन के दौरान हबीब बैंक ने मुस्लिम कम्युनिटी की कई तरह से मदद की और साल 1947 यानी पार्टीशन के बाद हबीब बैंक ने अपना हेडक्वार्टर बदल दिया और कराची पाकिस्तान को चुन लिया जिसके कारण नए पाकिस्तान की कराची को अपना पहला कमर्शियल बैंक मिल गया। 1957 से 2016 के बीच हबीब बैंक ने कई इंटरनेशनल लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस की स्थापना की जिनमें सिंगापुर, UAE, न्यूयॉर्क सिटी, हांगकांग
ऑस्ट्रेलिया और भी कई जगह है। आखिरी बार 2016 में हबीब बैंक ने अपनी एक ब्रांच चाइना में हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन में खोली। नंबर 5 नंबर ऑफ लोकेशन वर्ल्ड वाइड आईसीबी बैंक की 17,000 प्लस ब्रांचेस है और इसका अस्तित्व 41 कंट्रीज में है। वहीं वर्ल्ड वाइड एसबीआई की ब्रांचेस 22,141 है, वो भी 36 कंट्रीज में, जिसके कारण ये इकलौता इंडियन बैंक है जिसकी फॉरेन मार्केट में इतना लार्ज प्रेजेंस है। वहीं कुल 25 कंट्रीज में हबीब बैंक की 1,700 ब्रांचेस मौजूद है। नंबर 6 आईसीबी के चेयरमैन शेन सिकिंग और सीईओ गुशु है। वहीं एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। वहीं हबीब बैंक चेयरमैन सुल्तान अली अलाना और प्रेसिडेंट मोहम्मद औरंगजेब है। एम्प्लॉइज मौजूद है। वहीं एसबीआई में टोटल एम्प्लॉइज की गिनती 249,448 है। वहीं एचबीएल यानी हबीब बैंक में कुल 15,000 प्लस एम्प्लॉइज मौजूद है। नंबर 8 रैंक लार्जेस्ट बैंक बाय टोटल एसेट इन वर्ल्ड की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर 4,324.27 बिलियन US के टोटल एसेट के साथ आईसीबीआई इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का नाम है। वहीं इस लिस्ट में 43rd रैंक 30.54 बिलियन के टोटल एसेट के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मौजूद है। लार्जेस्ट बैंक बाय टोटल एसेट की इस लिस्ट में टॉप 100 में चाइना की 19 बैंक और इंडिया की अकेली स्टेट बैंक है। पाकिस्तान की हबीब बैंक या किसी और बैंक का नाम फिलहाल मौजूद नहीं है। लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की टॉप 70 की लिस्ट में सेकंड रैंक पर 345.214 बिलियन US के कैपिटल के साथ आईसीबी का नाम है। चाइना की इस लिस्ट में 12 बैंक्स हैं। इस लिस्ट में 61st पोजीशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, जिसका कैपिटल 14.562 बिलियन US है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया की इस लिस्ट में 2 बैंक्स हैं, जिसमें एसबीआई से पहले 21st रैंक पर 88.435 बिलियन US के कैपिटल के साथ एचडीएफसी बैंक का नाम मौजूद है। इस लिस्ट में भी पाकिस्तान की बैंक नहीं है। नंबर 9 नेट इनकम 43.42 बिलियन US है। एसबीआई की नेट इनकम 1.6 बिलियन US है और एचबीएल की नेट इनकम 51 मिलियन US है। नंबर 10 रेवेन्यू। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी आईसीबी का रेवेन्यू 105.4 बिलियन US है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेवेन्यू 52 बिलियन US है। वहीं हबीब बैंक लिमिटेड यानी एचबीएल से टोटल रेवेन्यू 720 मिलियन US है। दोस्तों ये था पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के लार्जेस्ट बैंक का कंपैरिजन। तो आपको इतना भी बहुत है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। यार हर हाल में खुश रहना चाहिए, कोई मसला नहीं। सही है, जानी अंदर काफी हमारा गुजारा हो रहा है, और क्या चाहिए। अबे उस बंदे का गुजारा हो रहा है। किसका? वही जो है इनके ऑनर जो है। यार हमने कोई भी बैंक और बैंक में जाके पैसा जमा करा हुआ। और क्या। अच्छा तो अब यार जो चाइना का बैंक है उसकी क्या बात की जाए यार। बिल्कुल कोई शक नहीं, उसमें बहुत फास्ट है यार, वो बहुत आगे गया हुआ है। एसबीआई फिर सेकंड नंबर पे और थर्ड पे फिर पाकिस्तानी। आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया का टक्कर दे पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ होता है, इतनी जल्दी तो थोड़ी होता है। क्योंकि इंडिया अभी आगे स्टेप वाइज वो अपनी सीढ़ियों पे कामयाबी की चढ़ा है। आहिस्ता आहिस्ता ही 25 मुल्कों में पाकिस्तानी था, 36 मुल्कों में वो था और 44 मुल्कों में आईसीबीसी था। मुझे तो ये शौक लगा कि एचबीएल इंटरनेशनल भी है। तो हाँ, तुझे नहीं पता था ये चीज़? मुझे ये चीज नहीं पता थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे चीज नहीं पता थी। और इंडिया का भी काफी अच्छा जा रहा है कि मतलब 36 कंट्री। एसबीआई सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक है इंडिया में समझे जा रहा है। हाँ हमने आज एक वीडियो अच्छा? देखी थी, उसमें मुझे पता लगा। तो सबसे आईसीबी बैंक। हाँ आईसीबी। अच्छा आईसीबी नहीं, वो एसबीआई, वो मतलब इंडिया का जो है ना एसबीआई। हाँ, और स्टेट बैंक इंडिया। और इनके जो कारकर्दगी है वो भी काफी अच्छी है। मतलब जाहिर बात है अब ये यकीन दिलाते हैं ना अपने कस्टमर्स को कि भाई आप ये चीज इस तरह रहेगी, इस तरह से नहीं हटने वाली। तो अगले आते हैं। सही बोल रहा है बिल्कुल। और यार काफी मुझे मजे की एक वीडियो लगी, एक इंटरेस्टिंग इसमें कंपैरिजन हुआ। और हम यही होप करते हैं कि इंडिया आने वाले वक्त में चाइना को टक्कर दे। जाहिर बात हम छोटे कंट्री हैं, ठीक है हम द्वारा वो राइवल यही बनना है, इन्होंने ही बनना है। हाँ इंडिया और अब इनका भी मुकाबले पे बैंक ऊपर। फिर यार जाहिर बात है इंडिया के भी बैंक और ग्रो कर वहां तक पहुंच। और अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमारा बैंक आएगा तो इंडिया को टक्कर देगा चाइना को। इस तरह मतलब एक फेयर एंड बेस्ट रिव्यू था, काफी अच्छा था, हमें काफी अच्छा लगा। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।